Please let me know if you can see the class. Hi, good afternoon, good evening. I hope आप सब लोग सही हैं एंड अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं. अगर आपको नहीं पता है तो NTA ने फिर से एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया है, इसीलिए इस मंथ हम लोग अपनी थ्योरी और MCU क्लासेस को मिक्स करके प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि जब तक एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आ जाती वी एटलीस्ट हैव सम टाइम टू रिवाइज द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स. सो लेट्स कंटिन्यू विद टूडे सेशन. आज का टॉपिक जिन्होंने नोटिस नहीं करा है, इट इज़ स्टेट पॉलिटिक्स. दिस इज़ द मोस्ट डिस्कस्ड इशू अमंग स्टूडेंट्स कि मैम इसका कंटेंट कहाँ से लाएं, समझ नहीं आता, क्वेश्चंस बता दीजिए. सो मैंने आपके साथ कुछ मेजर थिंकर्स कवर करे हैं. आपको टाइटल में काफ़ी कम नाम नज़र आ रहे होंगे ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ वर्ड लिमिट, बट हम लोग मॉरिस जोन्स, मायरॉन मीनर, आशुतोष वार्ष्णेय, कोठारी, पार्था चैटर्जी, लेलॉर्ड एंड सुजैन एंड लेलॉर्ड रुडोल्फ, ये सारे कवर करने वाले हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. सो आई होप यू आर एक्साइटेड टू जॉइन टुडेज़ क्लास. लेट्स स्टार्ट क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अगर आप में से कोई नए कोर्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा है दैट हमें नए सिरे से अपनी तैयारी शुरू करनी है क्योंकि एग्ज़ाम इनडेफिनेट टाइम के लिए पोस्टपोन हो गया है, और आप अगर इस प्रिपरेशन को लेकर वरिड हैं, तो मैं आपके लिए फुल न्यू कोर्स लेकर आ रही हूँ प्रिपरेशन के लिए जो 27 अक्टूबर शाम 7 बजे से शुरू होगा. और ये कोर्स अन अकेडमी प्लस पे आएगा, मतलब ये एक पेड कोर्स होगा, और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड सुप्रीत लाइव जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन. चलिए क्लास स्टार्ट करें और सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को लेकर. ये टॉपिक जिन्हें नहीं पता, वैसे सिलेबस में नहीं है बट एक यूनिट का हिस्सा है, मतलब डायरेक्टली आपको ये सिलेबस में नहीं मिलेगा बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ यूनिट, एंड वो यूनिट है नंबर 8. इट इज़ पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 8. अगर किसी को श्योरिटी नहीं है पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो वो यूनिट मैं स्टार्ट करवा रही हूँ अब 27 अक्टूबर से, ठीक है. सो क्या है, जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा इसका पहले रफ ब्रीफ आइडिया देती हूँ. जो भारत का राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो एक काफ़ी डिस्कस्ड स्टोरी है ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में डिस्कस करा जाता है कि ओ इंडिया की पॉलिटिक्स यूनिक है. इंडिया की पॉलिटिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्कस करी जाती है क्योंकि उसमें आप नोटिस करो तो एक कुछ डिफरेंट है. कहने को हमारे देश में डाइवर्सिटी का सबसे ज़्यादा अमाउंट है. कहने को हमारे पास क्लास, कास्ट, लैंग्वेज, लुक्स, ड्रेसेस, कल्चर्स की बहुत वैरायटी, लेकिन उसका कॉन्ट्ररी आयरोनिकल बात यह है कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद, इतनी सारी पार्टीज होने के बावजूद, भारत शुरू के 30 साल सिर्फ कांग्रेस के साथ क्यों रहा? भारत शुरू के 30 सालों तक सिर्फ कांग्रेस का बन के क्यों रहा? सिर्फ कांग्रेस ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्यों रही? और जब तक हमारी डोमिनेटिंग कांग्रेस थी तो हम मल्टी पार्टी सिस्टम होने के बावजूद सिंगल पार्टी जैसी फीचर्स कैरी कर रहे थे. इसलिए रजनी कोठारी जैसे स्कॉलर सामने आते हैं और हमें कुछ अलग नाम देकर जाते हैं, जैसे कि सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम या कांग्रेस सिस्टम. ये जानना कि ऐसा क्यों हुआ था पॉइंट नंबर 1 इस चैप्टर का मकसद है, एंड पॉइंट नंबर 2 जो बाद में मल्टी पार्टीज आई हैं या रीजनल पार्टीज आई हैं, वो क्यों आई, क्या रीज़न था, क्या सोच थी उसके पीछे, क्यों डेवलपमेंट हुआ, ये सब जानना ज़रूरी है. तो जैसे पॉल ब्रास है या मॉरिस जोन्स है या मायरॉन मीनर है या रजनी कोठारी है, इन्होंने भारत को, राजनीति को कुछ अलग मायनों में पढ़ा है. नहीं तो लोग सिर्फ ये सोचते आ रहे थे कि अरे यार कांग्रेस ही तो है यहाँ पे और है क्या. ऐसा नहीं है यार, सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है. बाहर से देखने में लगता है कि कितनी वैरायटी है, सबको कांग्रेस खुश रख रहा है, बट ऑनेस्ट बात यह है कि जब हम कांग्रेस को अम्ब्रेला या फिर एक आप ये कह सकते हो कि ऐसी पार्टी बुलाते हैं, जो उसके लिए टर्म्स यूज़ करे जाते हैं कि ये तो कैच ऑल पार्टी है, जिन्हें नहीं पता कैच ऑल या अम्ब्रेला पार्टी है, ये आपका PYQ है, ये हम जब बुलाते हैं तो इसमें गलती है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है.
प्रॉब्लम ये है कि आपको सामने से ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने सबको खुश रखा हुआ था शुरू में, इसीलिए सब कांग्रेस के बन के रहे। पर इसमें छोटा सा हिंट ये है कि अगर सब सेक्शन खुश होते तो फिर फैक्शनलिज्म क्यों आता भारत में, या फिर क्यों इंडिया में इतने ब्रेकेजेस आते और लोग अलग होते और कांग्रेस को छोड़ते और किसी और पार्टी का हिस्सा बनते। सो द होल पॉइंट इज, जैसा दिख रहा है दूर से, इंडिया का राजनीति उतना सिंपल या उतना आसान नहीं है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ लेयर्स, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। तो वो लेयर्स खोलने के लिए हम इन ऑथर्स को पढ़ते हैं। तो हमारे जब मॉडर्नाइजेशन आया, जब हमारा स्टेट सिस्टम डेवलप हुआ, तो हमें मायरॉन वीनर, मॉरिस जॉन्स, रुडोल्फ रुडोल्फ की जो जोड़ी है, इन सब लोगों का नाम सामने आया। शुरू करते हैं कुछ मेजर डिस्कशन से। इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट चैप्टर, इट इज़ नॉट ट्रेडिशनली जो आप पॉल साइंस यहाँ यूट्यूब पे पढ़ते हैं। इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट देन द अदर चैप्टर, सो फोकस करिएगा ज़्यादा क्लास में। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, लेट मी जूम आउट अ लिटिल बिट ताकि हम पूरा एक साथ रीड कर सकें, एंड देन वी विल मूव ऑन। ऑलराइट, सो सबसे पहले बात यह है कि हम ट्रेडिशनल सोसाइटीज जो हम इंडिया में जाना करते थे, या इंडिया की जो पहचान हुआ करती थी, वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज मॉडर्नाइजेशन आने की वजह से बहुत सारे अपने जो बेसिक फीचर्स थी उन्हें खो बैठी। अब आप सोचोगे कि इंडिया में ऐसा कैसे हुआ? तो इंडिया में जो मॉडर्नाइजेशन है वो आया था बिकॉज ऑफ कॉलोनियल रूल। तो जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने भारत का जो ओरिजिनल आइडिया है उसे बदल दिया, और बदल कर हमें कुछ मिक्स कॉम्प्लेक्सिटी में छोड़ दिया बीच के रास्ते में, जहाँ हमें नहीं समझ आ रहा था कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ऑफ कोर्स क्या हुआ, हम लोग एक ट्रांजिशनल देश बन गए। मतलब हम ना तो अब पुराने ट्रेडिशनल इंडियन फीचर्स कैरी कर रहे थे, और ना हम प्योरली ब्रिटिश सोसाइटीज के फीचर्स कैरी कर रहे थे। तो हम ट्रांजिशनल हो गए, हम इंडिया के ट्रेडिशन से आगे भी निकल गए, पर हम प्योरली ब्रिटिशर्स भी नहीं बन पाए। सो हम कहीं ना कहीं बीच में ट्रांजिट ले रहे थे। हम इंडिया टू ब्रिटिशर्स की जो लाइफस्टाइल है उसके बीच में है कहीं, हमने ट्रांजिशन लिया। और प्रिमोर्डियल सोसाइटीज वो होती हैं जिनका हम दिमाग में पहले कोई ख्याल बना के रख लेते हैं कि फलाना सोसाइटी इसी प्रकार की होगी। देखा जाए तो इससे क्या हुआ, इससे एक मोजाइक पैदा हुआ। जिन लोगों को मोजाइक नहीं पता, मैं आपको एक समझाती हूँ कि अगर हमें कोई पिक्चर ब्लर करके दिखानी होती है तो हम उसमें ऐसे पिक्सल्स ड्रॉ कर देते हैं कि उस पिक्चर को हम पूरा ट्रांसपेरेंट पूरा दिखाएं भी ना और पूरा ब्लैक भी ना करें, तो हमें थोड़े थोड़े धब्बे नजर आते हैं उस पिक्चर के। हम अंदाजा लगा पाते हैं ब्लर्ड में कि ये पिक्चर लगभग किस बारे में है। जैसे अगर कोई वायलेंट पिक्चर है या कोई डिसग्रेसफुल पिक्चर है तो हम उसे मोजाइक कर देते हैं। मतलब हम उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, आप समझ नहीं पाओगे कि वो मतलब क्लियरली कैसे दिख रहा है, बट आप अंदाजा लगा पाओगे कि हाँ ये थोड़ा थोड़ा किसके जैसा दिख रहा है। तो इस तरह की जो भारत की स्ट्रक्चर है वो मोजाइक में कैसे कन्वर्ट हुई, क्योंकि आधे लोग तो ट्रेडिशनल रह गए और आधे लोग ब्रिटिशर्स की तरफ चले गए, तो हमारे यहाँ एक कॉम्प्लेक्स ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। आधे लोग ट्रेडिशंस फॉलो करें, आधे लोग ब्रिटिशर्स को फॉलो करें, तो हम एक मिक्स्ड मोजाइक से बन गए। उसके बाद जब हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हमारी एथनिसिटी, धर्म, ये सब तो मिक्स हुए जा रहा है, तो हम किसे फॉलो करें किसे ना करें, तो रजनी कोठारी जैसे स्कॉलर का नाम सामने आता है। तो बेसिकली जो रजनी कोठारी का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है अबाउट द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिक्स। तो हमें जब रजनी कोठारी जैसा नाम समझ आता है तो हम ये देखते हैं कि पार्टी पार्टी कितने तरह की है, पार्टी का मकसद क्या है, वो किन लोगों के लिए काम कर रही है, उसका इंटरेस्ट क्या है, इन सब के बारे में एक देश का जो स्ट्रक्चर है वो समझना जरूरी होगा। और उसे समझने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये था कि हम रजनी कोठारी जैसे लोगों को इंस्पिरेशन माने जिन्होंने सबसे पहले डिस्कशन शुरू करा। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम ये डिस्कशन किसी से तो शुरू हुआ होगा,
कोई तो एक केंद्र होगा जिससे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया. यस, कांग्रेस वॉज द सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. मतलब जब इंडियन पॉलिटिक्स की स्टडी की शुरुआत हुई, जब कोठारी ने पढ़ाई शुरू करी, साथ में कौशानिक भी थे, बट जब कोठारी ने स्टार्ट किया तो कांग्रेस उनका सेंटर था कि कांग्रेस ने इंडिया में क्या काम किया है, वो किसके लिए काम कर रही है, उसका क्या इंटरेस्ट है, एटसेट्रा. बट आपको एक बहुत यहाँ पर बहुत अच्छी बात याद दिलाना चाहूंगी. 1969 की बात है जब कांग्रेस ने अपना पहला बड़ा झटका खाया था. पहले झटके का मतलब ये है कि कांग्रेस ने 1947 के बाद जो हमेशा से फुल मेजॉरिटी आज़ादी एंजॉय करी थी, जो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, वो 1969 में वो हारा. एंड वो पहला प्रूफ था कि कहीं कांग्रेस अपना डोमिनेंस, अपना हेजेमनी खो तो नहीं रहा, कहीं पॉलिटिकली कांग्रेस सिस्टम गिरने को तैयार तो नहीं है. उस दौरान बड़े सारे स्कॉलर्स सामने आए, कई लोगों ने कहा नहीं नहीं कांग्रेस वापस उठ जाएगी, कई लोगों ने कहा नहीं अब ये कांग्रेस का अंत है. पर देखो इतने साल जिसने देश को देखा हो, 1885 में ये स्थापित हुई थी. सबसे बड़ा अचीवमेंट कांग्रेस के सिर पे ये था कि कांग्रेस वॉज द ओनली पोलिटिकल पार्टी जिसने इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड करा था. तो लोगों का एक लेगेसी कनेक्टेड था कि मेरे दादा परदादा उसमें काम कर चुके हैं, या मेरे दादा परदादा उस फौज का हिस्सा थे जिसने भारत को आज़ादी दिलाई, जिस पार्टी ने. तो लोगों का इमोशनल कनेक्शन था कांग्रेस से, उन्हें कुछ और नज़र नहीं आता था. लेकिन जैसे जैसे हमें ये नज़र आया कि अब कांग्रेस का सीट या वोट कम होते जा रहे हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल है, चाहे गुजरात है, चाहे आंध्र प्रदेश है, जो कर्नाटका है, जो मेन सेंटर स्टेट्स हुआ करती थी, वो स्टेट्स में जब कांग्रेस का हाल ऐसा हो रहा था कि उसके पसीने छूट रहे हैं, मुश्किल से चुनाव जीत रहा है, तो सबसे बड़ी बात थी कि स्कॉलर्स के मन में क्वेश्चन आया कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग दैट कांग्रेस अपना इम्पैक्ट लूज कर रहा है. तब सामने आता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स हु टॉक्स अबाउट द फॉल ऑफ कांग्रेस सिस्टम, जिनका नाम है पॉल ब्रास. मिस्टर पॉल ब्रास ऑथर है फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट के, जो कि उत्तर प्रदेश पर लिखी हुई किताब है. मैंने आप लोगों को काफ़ी बार टेस्ट में और PYQs में ये दी हुई है. एंड ये जो हमारा मेन इम्पैक्ट है वो 1965 में डिस्कस किया गया. अब जो पॉल ब्रास हैं, जब वो उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया के बारे में लिखते हैं, तो उन्होंने नोटिस करा कि यूपी में क्यों सबसे ज़्यादा खलबली मची हुई है चुनाव के समय पर, क्योंकि यूपी के पास इस पूरे देश की कंबाइंड सबसे ज्यादा कास्ट पॉलिटिक्स थी. यूपी से ज्यादा किसी और स्टेट में कास्ट पॉलिटिक्स इतनी मजबूत नहीं थी. इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉल ब्रास ने यह इशारा करा कि कांग्रेस इसलिए हार रही है क्योंकि बाकी छोटी कास्ट को रियलाइज हो रहा है कि कांग्रेस उनके लिए कुछ नहीं कर रहा. तो दूर से देखने में भले ही लगता था कि कांग्रेस सबको खुश रख रहा है, बट सच्चाई ये थी कि कांग्रेस सिर्फ एलीट पार्टी थी और वो सिर्फ उन्हें खुश रख रही थी जो पैसे वाले वर्ग थे, जिनके पास पैसा था, जो पुरानी राजनीति के बड़े नाम थे, उन लोगों को ही प्रायोरिटाइज करा जा रहा था, रादर देन प्रायोरिटाइजिंग अदर पीपल लाइक शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और द मुस्लिम्स और एनी अदर पीपल. तो यहाँ पर यह था कि कई हिंदू भी बहुत नाराज थे, जो मतलब अपर क्लास नहीं थे, मिडिल थे, बट वो काफ़ी नाराज थे कि मुसलमानों को आज तक कांग्रेस ने सपोर्ट करा बट हमें नहीं करा. तो बहुत तरह के व्यू पॉइंट्स जो हैं उत्तर प्रदेश में राइज हुए और ये नज़र आया कि इस देश में जो फैक्शंस हैं वो डल चुके हैं. जिन्हें नहीं पता फैक्शंस का मतलब फूट होता है, टुकड़े होता है या फिर गैप होता है. गैप, फूट या टुकड़े, कोई भी आप शब्द फैक्शंस वर्ड के लिए यूज कर सकते हैं. और हमने ये नोटिस करा कि अब इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा फैक्शंस का हिस्सा बन चुकी थी. इवन दो इंडिया इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रगल कर रही थी, बहुत आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक और चीज़ थी जो हमें बहुत क्विकली रियलाइज हो गई. मतलब अब हमारे पास सबसे बड़ा ऑप्शन ये था कि अब सिर्फ पार्टीज प्रेशर नहीं कर रही थी, अब हमें एनजीओज और इंटरेस्ट ग्रुप्स भी प्रेशर करते हुए नजर आ रहे थे. यानी भारत में जब कांग्रेस गिर रही थी तो उसी दौरान मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ साथ
नॉन पार्टी सिस्टम का भी राइज हो रहा था, यानी हमारे पास प्रेशर ग्रुप्स और एनजीओज और आईजीओज भी डेवलप हो रहे थे, जिनका काम था इस देश की सारी समस्याओं को सामने लाना। तो अगर कोई पार्टी करप्शन कर रही है तो उसे सामने लाना, मतलब वो एक तरह का ऐसा ओपोजिशन था जो चुनाव नहीं लड़ रहा था पर फिर भी दबाव बनाने में सक्षम था। इस तरीके से राइज हो रहा था थर्ड सेक्शन ऑफ समाज, ना पॉलिटिकल ना इकोनॉमिक बल्कि द सिविल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम पार्था चैटर्जी पर आएंगे। इसके बाद हम चलते हैं भारत में काम करने वाले कुछ और बड़े नामों के प्रति। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को स्टडी करने वाला रिपीटेड PYQ नेम सैमुअल पी हंटिंगटन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और IR का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेम जिसकी किताब थी पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज। ये किताब स्पेसिफिकली भारत के लिए तो नहीं थी, इवन दो इंडिया का जिक्र है इस बुक में नो डाउट, बट स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि इंडिया को लेकर लिखी गई है, ये ना थर्ड वर्ल्ड को लेकर लिखी गई है या डेवलपिंग कंट्रीज को लेकर लिखी गई है। तो इसलिए इंडिया जो है काफी क्लोजली इससे रिलेट कर पा रहा है कि मतलब चेंजेस कैसे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। उसके बाद एक और बुक है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये बुक आती है फ्रॉम अ वेरी फेमस स्कॉलर अतुल कोहली, जिनकी बुक का नाम था द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द गवर्नेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसीज 1976। तो जो अतुल कोहली हैं वो ये देख रहे थे कि कैसे स्टेट को बहुत ज्यादा ओवर एम्फसाइज करा गया, मतलब जो राज्य है उस पर बहुत प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है, उसे बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, उससे बहुत ज्यादा काम कराया जा रहा है एटसेट्रा। इसके बाद एक और नाम आता है जो खैर नेट में तो नहीं इतना पॉपुलर हुआ है अभी, बट बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में ये नाम काफी प्रचलित है। जो अगला नाम है वो है आशुतोष वार्ष्णेय। आशुतोष वार्ष्णेय का मेन काम राजनीति के अंदर हो रहे सामाजिक रिश्ते का है, मतलब जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर कैसे सोसाइटी को जोड़ा जा रहा है, सोसाइटी के रिश्तों को जोड़ा जा रहा है, उन रिलेशनशिप्स को बनाया जा रहा है और जिससे रायट्स पैदा हो रहे हैं। अगर आपको नहीं पता रायट्स क्या होते हैं तो दंगों को रायट्स बोलते हैं, और जितना पुराना भारत है उतना ही पुराना भारत में दंगों का इतिहास है या कम्युनलिज्म का इतिहास है। बिकॉज इंडिया की जो कम्युनिटीज हैं वो इंटरनली काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रही हैं, इसीलिए जो दंगे हैं, एक दूसरे से लड़ना है, इस तरह के छोटे छोटे मसले हैं वो काफ़ी बड़े स्तर पर देखने को हमेशा से मिले। चाहे आप उत्तर प्रदेश देख लो, चाहे आप गुजरात देख लो, जो बड़े उदाहरण रहे हैं भारत में जिन्होंने इस तरह के रायट्स को जो है जन्म दिए। तो आशुतोष वार्ष्णेय का जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रायट्स के प्रति है। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा एक एक ऑथर का स्पेशल काम। मैं आपके साथ जो स्टार्ट करने वाली हूँ वो आपको सबसे ज्यादा PYQs के आंसर देगा। तो जब आप PYQ सॉल्व करते हो यूनिट 8 के और आप कंप्लेन करते हो आके कि मैम हमें तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आते, कहाँ से आ जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला बता रही हूँ जिससे आपके 90% PYQs इस यूनिट के सॉल्व होंगे। और वो हम स्टार्ट करेंगे बाय टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल ऑफ दिस सब्जेक्ट, मायरॉन वीनर। सो बेसिकली मायरॉन वीनर इस पूरे इलाके का सबसे फेमस पॉपुलर स्कॉलर है। इलाके के कहने का मतलब इंडिया नहीं है, ऑफ कोर्स मैं कॉन्टिनेंटल वाइज काफी बड़े इलाके की बात कर रही हूं, और वो है साउथ एशिया। तो लगभग पूरे साउथ एशिया ने सेम हिस्ट्री शेयर करा है, सेम प्रॉब्लम्स शेयर करे हैं, और मायरॉन वीनर उन प्रॉब्लम्स को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति है। That is why आप नोटिस करना जब ये क्वेश्चन आता है कि who among the following initiated the idea of state politics in India, तो उस दौरान मायरॉन वीनर का नाम सामने आता है। मायरॉन वीनर ने अपना पहला जो मोनोग्राफ था, मोनोग्राफ का मतलब होता है एक ही पैराग्राफ जो सिंगल लाइक एनालिसिस कवर कर सके, मतलब उसमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सब एक ही पैराग्राफ में होता है, सिंगल एसे। 1957 में मायरॉन ने अपना पहला एसे छापा था, और वो किस पे था, वो इंडिया की राजनीति में ऑपोजिशन का क्या रोल है उस पे था। यहाँ पे आपको एक रिमाइंडर देना चाहूंगी, 1957 से पूर्व भारत में ऑपोजिशन के नाम पर कुछ नहीं था,
1957 तक भारत में ऑपोजिशन ऑलमोस्ट ना के बराबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीपीआई कह सकते हो जो कि सिर्फ एक दो स्टेट्स में ही एक्टिव थी। इसके अलावा कांग्रेस ना सिर्फ केंद्र पे थी बल्कि हर राज्य में भी कांग्रेस का ही इम्पैक्ट था। थोड़ा सा साउथ इंडिया अगर आप छोड़ दो, थोड़ा सा आप छोड़ दो वेस्ट बंगाल का एरिया, उसके अलावा मोस्टली कांग्रेस ही सेंटर्ड था। तो उस दौरान जो ये मायरॉन वीनर का स्टडी था वो केंद्रित था लेफ्ट पार्टीज पे। अब जैसे आप लेफ्ट पार्टी का उदाहरण ढूंढने जाओगे तो सीपीआई आपको लेफ्ट का उदाहरण मिलेगा, काफ़ी पुराना, क्योंकि सीपीआई 1925 से स्थापित है, तो देखा जाए तो कांग्रेस के बाद काफ़ी पुरानी पार्टी में मानी जाती है। तो सीपीआई के जितने भी मतलब बड़े पॉलिटिशियंस थे, नेता थे, सेंटर लेफ्ट थी, जो मतलब सेंटर लेफ्ट का मतलब है जो राइट ना हो पर लेफ्ट से थोड़ी सी हल्की हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेडिकलिज्म ना हो लेकिन राइट भी ना हो। तो सेंटर लेफ्ट और लेफ्ट पार्टीज के जितने पॉलिटिशियंस थे उन सब से इंटरव्यू करके, पर्सनल इंटरव्यू करके मायरॉन वीनर ने कुछ पढ़ा, लेकिन उन्हें ये रियलाइज हुआ कि जो पढ़ाई है एजुकेशन वो पहले भारत में तो बड़ी सादी हुआ करती थी, संस्कृत वेदास की पढ़ाई को पढ़ाई माना जाता था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो हमने ब्रिटिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसके बाद से ऐसा लगा कि भारत में ना मतलब कास्ट और ट्राइब्स थोड़े बिगड़ गए हैं। मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बता रही हूँ क्या अजम्पशन था लोगों का। तो लोगों को ये लगता था अरे तुम लोगों को इंग्लिश क्या आ गई, तुम लोगों के पास पैसा क्या आ गया, तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम लोग बहुत तेज बन गए हो, तुम बड़े होशियार हो गए हो, तुम बहुत आगे निकल जाओगे। तो एक ईगो क्लैश हो रहा था भारत में पैसे वालों का मिडिल क्लास के साथ, क्योंकि उन्हें लगता था जो लोअर या मिडिल क्लास है वो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि पैसे हमारे पास है, ये कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब पढ़ाई आई, जब एडुकेशन आई तो ऐसे लगा एक हथियार हासिल हो गया मिडिल क्लास को कि अब शायद वो अपने दिमाग के बल पर पैसे वालों के साथ कंपीट कर सकेंगे। तो अब पैसे वालों ने सोचा चलो एक अच्छा मौका है, क्या करें हम राजनीति को अपना बना लेते हैं, जितना ज़्यादा आपकी पॉलिटिक्स मजबूत होगी उतना ज़्यादा जो लोग हैं वो डरेंगे आपसे फाइट करने में। तो मायरॉन वीनर ने जो सबसे पहले स्टडी करी थी वो वेस्ट बंगाल की थी। आधे से ज़्यादा लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता आज भी क्लास में बताने के बावजूद कि इसका आंसर क्या होगा। लोग सोचते हैं उत्तर प्रदेश ये वो, बट मायरॉन वीनर की स्पेशलिटी वेस्ट बंगाल है। इनफैक्ट भारत में पहली स्टडी ही वेस्ट बंगाल में करी गई है। उन्होंने जब वेस्ट बंगाल में पढ़ाई करी, इस बारे में सर्वे करा कि कैसे राजनीति चल रही है, तो उन्होंने एक स्पेशल फॉर्म ऑफ सिस्टम दिया था जिसका नाम है इनपुट आउटपुट एनालिसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मायरॉन वीनर, अगर आपको अभी भी रियलाइज नहीं हुआ कि कितना बड़ा नाम है, तो आपको बता दूं कि ये गैब्रियल एलमंट के कलीग थे, जहां अमेरिकन सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल में इन लोगों की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे कमिटी थी। इन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अमेरिका में 1960 से लगातार पढ़ा है, यानी मायरॉन वीनर वहाँ पे काफ़ी बड़ा नाम थे, और जब वो भारत आकर पढ़ रहे हैं दैट मीन्स उनका जो काम है वो काफ़ी फेमस था। अगला जो कंट्रीब्यूशन मायरॉन वीनर ने भारत को स्पेसिफिकली दिया है वो है पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लस अ PYQ, रिपीटेड PYQ, द पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी। एक ऐसा एसे था जिसने भारत में एलीट कल्चर के बारे में डिस्कशन किया, कैसे भारत की पूरी राजनीति, भारत का पूरा कल्चर सिर्फ उन लोगों के हाथ में है जिनके हाथ में पैसा है, क्यों भारत की राजनीति में इतने भेदभाव आए, क्यों कांग्रेस ऐसी रही, इस सब के बारे में बात करा गया। इसके बाद जो हम करने वाले हैं दूसरा नाम, वो भी एक रिपीटेड PYQ है, और वो है मॉरिस जोन्स, जिन्होंने सेंटली ईडियम दिया है, जो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप किसी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये फिक्स्ड क्वेश्चन आता है। मॉरिस जोन्स ने भारत की सरकार और राजनीति के ऊपर 1964 में अपना पहला काम पब्लिश करा। उन्होंने कहा भारत में राजनीति करने के तीन तरीके हैं, ठीक है, भारत में राजनीति करने के तीन तरीके हैं।
पहला तरीका जहां पर सारे लोगों की भाषा वेस्टर्न हो चुकी है, जहां सारे लोग एकदम इन्फ्लुएंस्ड चल रहे हैं जो ब्रिटिशर्स ने किया उससे। दूसरा, बिल्कुल ट्रेडिशनल लोग जो आज भी जाति, धर्म, भेदभाव के ऊपर ही अपनी जिंदगी काटते हैं। और तीसरे, सेंटली, जो झूठा फरेबी वादा करते हैं काफी बाबा बनने का, काफी सुधरे हुए लोग बनने का, काफी प्यार भरी बातें करने का, मतलब बेसिकली आसान भाषाओं में मैन्यूपुलेट करने का। और अफसोस की बात यह है कि भारत में ना तो ये फॉलो करी जाती है ना ये फॉलो करी जाती है। भारत की राजनीति में सिर्फ तीसरी भाषा का उपयोग करा जाता है, सेंटली भाषा। मतलब जब तुम गरीब के पास जाओ तो गरीब के बन जाओ, और जब तुम अमीर के पास जाओ तो तुम अमीर के बन जाओ। एज अ पॉलिटिशियन भारत में सबसे ज्यादा रंग देखने को नेताओं में मिलते हैं, क्योंकि वो सेंट बन जाते हैं, वो भोले बन जाते हैं। हमें नहीं पता ऐसा हो गया था, अच्छा हमें नहीं पता कि उसने तुम्हें मार दिया था, अच्छा हमें नहीं पता तो तुम यहाँ रहते हो और हमने ये जमीन तोड़वा दी। तो वो लोग सब कुछ कर लेते हैं और फिर वो एंड में वो चेहरा लेकर आते हैं कि हमारे फलाना व्यक्ति ने करा, हमें तो आइडिया ही नहीं था, हमारी पार्टी का तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। या फिर अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई और पार्टी इस समय किसी और के दुख को जो है बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रही है, तो वो एकदम शांत और मॉरल वैल्यूज़ लेकर आते हैं और कहते हैं हम तुम्हें समझेंगे। तो राजनीति बिल्कुल इस तरह खेली जाती है भारत में, जहाँ हम ना तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ना आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, ना हम बिल्कुल जाति की बात कर रहे हैं, हम कहीं बीच में हैं और हम मौके के फ़ायदे उठाने की बात कर रहे हैं। ऐसा मॉरिस जोन्स ने दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले इम्पैक्ट पे, जो है हमारा तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेयर टू एवर वर्क इन इंडिया, हाईली कॉन्ट्रीब्यूटेड। पर्सनली मुझे लगता है इनका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है भारत की राजनीति की स्टडी में, बिकॉज इन दोनों ने कोई और कंट्री स्टडी ही नहीं करी है, उनका सिर्फ फोकस इंडिया ही रहा है। ये एक हस्बैंड वाइफ का पेयर है, सुजैन लिलॉर्ड रुडोल्फ, जिन्हें अक्सर आप एग्जाम में रुडोल्फ एंड रुडोल्फ के नाम से क्वेश्चन में देखते हो। इन्होंने वैसे तो बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, लेकिन एक काफ़ी फेमस बुक मैं आपको यहाँ याद कराऊंगी, द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन। यहाँ पर अगेन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहूँगी कि लिलॉर्ड एंड सुजैन रुडोल्फ का सर्वे ये शो करता है कि भारत में जब आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हो ना एक दूसरे के साथ, तो कोई भी अटेम्प्ट फेल हो जाएगा सिवाय कास्ट या धर्म के। तो मतलब जब जब आप किसी को कास्ट या धर्म के नाम पर छेड़ोगे, तो उसका जो खून है वो सबसे ज्यादा बॉइल करेगा, वो सबसे ज्यादा आगे आएगा रिएक्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस देश में जो कास्ट और धर्म है वो ऐसा रोल अदा करते हैं कि लोगों को एकदम मतलब एक दूसरे के प्रति एकदम वो जागरूकता सी हो जाती है। अगर हम गेम देखें इसमें टिपिकली, तो मैं काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुकी हूँ रेगुलर डिस्कशंस में, कि हम वो यूज़ करते हैं इम्पैक्ट। जैसे अगर कोई सिख कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा, तो सिख जो वोटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आकर्षित हो जाते हैं। या अगर कोई डॉक्टर कैंडिडेट लड़ रहा है इलेक्शन, तो डॉक्टर्स ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाते हैं कि हमने उसी को वोट डालना है, सपोर्ट करना है अपनी कम्युनिटी को। तो अगर कोई दलित कैंडिडेट खड़ा होगा, तो दलित वोटर्स बहुत आकर्षित रहेंगे। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपने नोटिस करा होगा, पिछले एक महीने से इंडिया में हर जगह जहाँ भी कैबिनेट रीशफल करे गए हैं, वहाँ हर जगह दलित कैंडिडेट्स को आगे करा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कुछ बहुत बड़े राज्य प्लस लोकसभा का जो फ्यूचर इलेक्शन है उसमें बहुत कम टाइम है। मतलब आज से अगर हम दलित कैंडिडेट्स को आगे करेंगे, तो हम दलित वोटर बैंक को 2-2.5 साल तक अपनी साइड कर पाएंगे। ये जो प्लान है, ये ऐसा नहीं है कि आज यूज होने शुरू हुए हैं या 50s में होने शुरू हुए थे, ये इंडिया में आज़ादी के बाद पहले चुनाव से शुरू हुआ है और आज तक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने इस तरह के इम्पैक्ट नहीं यूज़ करे हैं, या ऐसा नहीं है कि आज बीजेपी पहली बार यूज़ कर रही है। हर एक पॉलिटिशियन कास्ट कॉन्शियसनेस से ही खेलता है, बिकॉज वो सबसे आसान तरीका होता है लोगों को भड़काने का और साथ लाने का। अगर आप डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को साथ लाओगे, फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहते हो कि तुझे गुस्सा नहीं आ रहा कि तेरी घर की सामने की सड़क टूटी हुई है,
तो 10 लोग 20 में से ये कहेंगे कि अरे छोड़ना है, मेरा तो काम चल ही जाता है, मैं तो गाड़ी में जाता हूँ, मुझे कितना ही फर्क पड़ता है, मेरे तो बच्चे भी छोटे नहीं है, मतलब वो कोई ना कोई बहाना दे देंगे। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि सुना तूने मंदिर में कैसा पाप करा, उसने ऐसा जाके वहां पर उसने ये रख दिया या वहां पर उसने ऐसा अपमान करा, तो 10 लोगों को आप बुलाओगे, 100 पीछे अपने आप आएंगे। ये भारत के राजनीति की खासियत रही है, इसलिए पॉलिटिशियन उसी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज नोटिस करी है कि भारत में सबसे ज्यादा एक्टिव है। और अब ये 3 बड़े ऑथर्स को डिस्कस करने के बाद, मतलब हम लोगों ने जो अपना मेन रुडोल्फ रुडोल्फ करा, मॉरिस जोन्स करा, मायरॉन वीनर करा, ऑफ कोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बट नाउ कम्स द फादर ऑफ दिस सब्जेक्ट, फादर ऑफ दिस टॉपिक, एक व्यक्ति जिसने भारत को ग्लोबल पहचान दिलाई है, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी, मैं नहीं मानती कि कोई पॉल साइंस का एग्जाम ऐसा होता है जहाँ इस व्यक्ति का क्वेश्चन ना आता हो। 64 में रजनी कोठारी ने एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश करने शुरू करे। तो अगर आप नहीं जानते, तो जो भी लोग पॉल साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, वो लोग जो ईपीडब्ल्यू नाम की एक मैगजीन आती है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, उसको काफी ज्यादा प्रचलित मानते हैं, काफी भरोसा करते हैं उसको पढ़ने के लिए। रजनी कोठारी वहीं से फेमस हुए हैं। उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में राजनीति के ऊपर भारत की कुछ आर्टिकल्स छापने शुरू करे। उस दौरान एक और भी बड़ी बात यह थी कि भारत में कोई बहुत ज्यादा राजनीति के ऊपर आर्टिकल्स छापता नहीं था, क्योंकि एज सच आज बहुत बड़ा प्रोफेशन है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में जॉब्स हैं, बट उस दौरान बहुत रेयर ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा कोई जॉब्स ऐसे मिल रही हैं एक्सपर्ट्स को लेकर, कुछ था नहीं ऐसा। तो उस दौरान ऐसा सब्जेक्ट लेकर आना अपने आप में बड़ी अचीवमेंट थी जो कोठारी ने अचीव करी। और दूसरी बात क्या है, आप हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसे व्यक्ति, मतलब एक ऐसा टॉपिक उठाना भी बहुत मायने रखता है। उन्होंने कांग्रेस सिस्टम के ऊपर अपनी पूरी किताब, अपने पूरे ऐसे जो है लिखे। अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप राजनीति में मेन सरकार बनते हो, यू आर द मेन गवर्नमेंट, आप केंद्रीय सरकार हो, तो एक छोटा सा इसमें छुपा हुआ मैसेज ये है कि आपको ऑपोजिशन की कदर करना आना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आप पूरी उम्र तो मेन पार्टी नहीं रहोगे। ये तो भारत हो या दुनिया, यूनिवर्स का रूल है कि राजनीति में कोई कभी हमेशा एक व्यक्ति तो टॉप पे नहीं रह सकता। ऑफ कोर्स टाइम बदलेगा, ऑफ कोर्स आगे लोग आएंगे, तो मतलब अगर आज आप ऑपोजिशन की कदर नहीं कर रहे हो, तो कल को ऑपोजिशन में जब आप आओगे तो कोई आपकी भी कदर नहीं करेगा, तब आपको बुरा नहीं लगना चाहिए ट्रेडिशनली, क्योंकि आपने नहीं करी। तो जब आप कांग्रेस में खड़े हुए थे, मेन आपके पास सब कुछ था इस देश में, तो आसमान से नीचे सर आ नहीं रहा था, पैर टच नहीं हो रहे थे जमीन को, तो तब लगता था कि ये ऑपोजिशन कुछ भी बोलेगा, इसका मुंह बंद करा दो। तो अगर कोई कहता था कि मैं फलाना कास्ट से हूं और आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो चुप करा दिया जाता था कि तुम मत बोलो। या जैसे शाहबानो केस में राजीव गांधी ने शाहबानो को मुस्लिम लॉ के अगेंस्ट जाकर स्पेशल इंपॉर्टेंस दिलाई, तो हिंदू नाराज हुए कि क्यों आपको जरूरत है इतना ज्यादा मुस्लिम्स को फेवर करने की, आप हिंदुओं को क्यों नहीं सपोर्ट करते। सिख बहुत नाराज रहे कि आपने हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर करा है और इस देश में सिखों की कोई जगह नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि यार, मतलब कभी कोई ना खुश है, कभी कोई ना खुश है। तो कांग्रेस क्या करता था, मुंह बंद कराने के लिए एक एक सीट दे देता था चुपचाप, कि चलो इस चुनाव में इसको सीट दे दी, ये चुप कर जाएगा, इस चुनाव में इस सरदार को सीट दे दी, ये चुप कर जाएगा, इस चुनाव में हिंदू को सीट दे देंगे, वो चुप कर जाएगा, बात बनती रही। पर आपको पता है, आप जितना ज्यादा, अगर आपके चोट लगी है और आप बार बार उस खून को दबाते जाओगे तो वो और ज्यादा बाहर आएगा। द ओनली पॉइंट इज टू पुट अ बैंडेड एंड स्टॉप इट। उसे बार बार छुए ना, उसे बार बार पोक मत करिए, क्योंकि जितनी बार उस चोट को आप हाथ लगाएंगे उतनी बार वो बाहर आएगी। इसका मतलब ये है, जितनी बार आप लोगों के इमोशंस को टॉर्चर करोगे, जितनी बार आप लोगों के इमोशंस को चुप 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 रह मत बोल करोगे, उतना ज्यादा लोगों का गुस्सा सामने आएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपको भूल जाएंगे फिर। और एग्जैक्टली यही कांग्रेस के साथ हुआ। एक और मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहूंगी, मुझे नहीं पता कितने लोग इस पॉइंट को समझ पाएंगे, बट
बट शायद इस पॉइंट को समझना आपके लिए इस क्लास का सबसे जरूरी स्टेप हो सकता है। जब तक कोई पार्टी अंदर से डेमोक्रेटिक नहीं होती ना, तब तक वो पार्टी कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। मेरे को नहीं पता ये पॉइंट 10% लोग समझेंगे या 90% लोग समझेंगे, पर अगर आप ये पॉइंट समझ लेंगे तो आप भारतीय राजनीति को समझने के काफी करीब आ जाएंगे। कांग्रेस ना सिर्फ जनता के साथ धोखा कर रही थी, बल्कि कांग्रेस कांग्रेसियों के साथ भी धोखा कर रही थी। कांग्रेस अपने लोगों की भी नहीं थी, मतलब जो लोग उस पार्टी को 10 साल 12 साल से कंट्रीब्यूट कर रहे थे, कांग्रेस उनकी भी नहीं बनी कभी, क्योंकि कांग्रेस हमेशा एक परिवार की थी। कांग्रेस कभी डेमोक्रेटिक नहीं थी, वो हमेशा अथॉरिटेरियन बाय नेचर थी, अंदरूनी। मैं ये नहीं कह रही कांग्रेस और मास का क्या रिश्ता है, कांग्रेस और जनता का क्या है, वो तो अलग स्टोरी है। मैं आपको कह रही हूँ कांग्रेस के अंदर अंदर बहुत प्रॉब्लम्स थी, कांग्रेस के अंदर इतना घमंड था, कांग्रेस के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स थी कि एक परिवार ही सिर्फ सेक्रेटरी प्रेसिडेंट अध्यक्ष कुछ बन सकता था। तो जो बाकी लोग थे उन्हें लगता था मैं क्या हूँ यार, अगर मैंने 12 साल 13 साल इस पार्टी को दिया है तो मैं क्यों नहीं बड़ी पोजीशन पे आ सकता, तुम मुझे क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाते, तुम मुझे क्यों नहीं इसकी पोजीशन देते। और सही भी बात है ये, आप बताओ ना, अगर आप 12 साल 13 साल अपनी जीवन को कॉन्ट्रीब्यूट करे, और कांग्रेस में ऐसा तो नहीं कि हमेशा सुंदर ही दिन थे, बहुत सारे लोगों ने चुनाव हारे भी हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसे नहीं भी कमाए हैं, तब भी आप लगे हुए हो एक पार्टी को, आपने लॉयल्टी दी है, तो आप पार्टी से नहीं उम्मीद करोगे कि वो बदले में आपको लॉयल्टी दे। बट कांग्रेस अपनी लॉयल्टी किसको देता था, सिर्फ पैसे वाले टॉप क्लास ऑफ कांग्रेस। तो ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस और जनता के बीच में फर्क आ रहा था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में कितना फर्क था। मतलब एक व्यक्ति तुमसे पोजीशन में उसी पार्टी में हमेशा ऊंचा रहता है, चाहे वो 30 वर्ष का हो। लेकिन अब जैसे सोचने की बात है, उदाहरण दे रही हूँ, जब मिसेज इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी बाय असैसिनेशन, तो भारत सदमे में था कि हमने अपनी इतनी बड़ी प्रधानमंत्री खो दी। उस दौरान मात्र 40 वर्ष के राजीव गांधी जी को कैसे पोस्ट मिली, बाय अ फेवरेटिज्म, राइट। मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर की क्लास में भी ये बात बताई थी, हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग थे, ऐसा तो नहीं था कि हम उस समय किसी और को नहीं बना सकते थे, बट हमें उस दौरान सबसे ईजी क्या लगा कि ऑफ कोर्स वो उनके बेटे हैं, तो चलिए उनको बनाना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो जो इस तरह के रूल्स हैं वो आज भी कांग्रेस में जिंदा हैं, आज भी कांग्रेस फेवरेटिज्म पर ही काम करे। और आज भी अगर आप एक्सपर्ट्स को सुनोगे तो वो यही कहेंगे कि कांग्रेस की सबसे बड़ी खामी यही है कि उसने जो है किसी और को आगे ही नहीं आने दिया, वो और लोगों को आगे ही नहीं आने देती। इस वजह से रजनी कोठारी ने कांग्रेस को समझाने के लिए वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम यूज किया, क्योंकि भारत में वन पार्टी सिस्टम तो है नहीं है, हम चाइना तो नहीं है, हमारे यहाँ मल्टी पार्टी है। लेकिन क्या 20-25 वर्ष तक भारत में कोई मल्टी पार्टी बाहर आई, क्या किसी और पार्टी को कभी केंद्र में सीट तक मिली? नहीं। इसका मतलब ये है कि हम रहे तो एक मल्टी पार्टी में रहे थे, वैरायटी में, लेकिन हम एंजॉय सिर्फ एक पार्टी का डोमिनेंस कर रहे थे। इसका मतलब हम एक प्रेशर भरी जिंदगी जी रहे थे जहाँ पर हम फुल्ली डोमिनेटेड थे बाय वन पार्टी। ये कोठारी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। कोठारी के साथ एक और बड़ा नाम है जो कांग्रेस पार्टी को लेकर डीप स्टडी करते हैं, और वो नाम है स्टैनली कुशानिक। स्टैनली कुशानिक ने कांग्रेस पार्टी को लेकर अपना सारा काम 1968 में पब्लिश करा था, और ये भी आपको अगर क्वेश्चन में दिखे तो आप याद रख सकते हैं। ऑब्वियसली कोठारी ने बहुत मेजर काम करे, बट उन्होंने ऑल ओवर इंडिया बात करी थी, है ना। तो जैसा मैंने आपको कहा, अगर उत्तर प्रदेश के लिए क्वेश्चन आता है, जो कि आ चुका है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आएगा, मैं कह रही हूँ कि पढ़ लो आ सकता है, ऐसा नहीं है, आ चुका है पहले, तो दोबारा आने का पूरा चांस है। तो उत्तर प्रदेश में अगर स्पेसिफिक स्टडी कोई पूछी जाएगी तो फिर आप कोठारी नहीं कह सकते, बिकॉज उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी स्टडी है वो नाम करी गई है पॉल ब्रास के। जैसा मैंने ऊपर भी बताया, फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट, द स्टडी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अगर हम यूपी के एग्जाम्पल को लें तो यूपी में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। यूपी का जो कांग्रेस था वो काफ़ी दिक्कत से भरा हुआ था, क्योंकि एक थोड़ा सा
गुरु चेले वाला जो रिश्ता है वो यूपी पॉलिटिक्स में काफी है। फलाना मेरे गुरुजी हैं, हम उनके सेवक हैं, हम तो उन्हीं को वोट डालेंगे। इस तरह का अंधविश्वास या ट्रेडिशनल डिपेंडेंस, या फिर मान लो कि मतलब एक, वैसे देखा जाए तो गॉड एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, बहुत लोग विश्वास करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं फिर वो बहुत विश्वास करते हैं, मतलब उन्हें ऐसा होता है कि भगवान है तो सब कुछ है। तो जब आप किसी किसी अदृश्य शक्ति को भगवान कहते हैं तो लड़ाई नहीं बनती, लेकिन जब आप किसी जीते जागते व्यक्ति को जो आप ही के जैसा है, जिसके दो हाथ दो पैर दो आंखें एक नाक है, जो आपके जैसा लग रहा है, जिसमें ऐसा सच कुछ बहुत ज्यादा मतलब लग नहीं रहा कि स्पेशल कुछ है, लेकिन लोग उसे स्पेशल बोल बोल के भगवान जैसा बना देते हैं, पूज पूज के उसकी सेवा करके उसे इतना बड़ा बना देते हैं, तो फिर उस भगवान को ऐसा लगता है कि हाँ मैं सच में हूँ। उस इंसान के अंदर ये जुनून आ जाता है कि अगर लोग मेरे को कुछ कह रहे हैं मतलब मेरे में अंदर सच में इतना होगा। उत्तर प्रदेश इस तरह के कीड़े से ग्रस्त है, जहाँ पर लोगों को भगवान का दर्जा देकर उन्हें इतना बिगाड़ दिया जाता है कि फिर वो राजनीति में एकदम आराम से रहते हैं और उनके सेवक सब कुछ करते हैं और उन सेवकों के बल पर ही वो चुनाव लगातार जीतते रहते हैं। तो कहने को देखने को आपको लगेगा कि वो एक बाबा हैं या वो एक महंत हैं या वो एक बहुत साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टीज, लाखों के उनके पास बिजनेस, बहुत सारे परिवार को उन्होंने आगे पैसों से भर रखा होगा। तो देखा जाए तो सादे जीवन को एक आड़ बनाकर काफी ज्यादा अंदरूनी तरीके से जो राजनीति है उसको खेला जा रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश में बहुत देखा गया है। एंड ऑफ कोर्स फैक्शंस तो खैर इंडिया में हमेशा से रहते आए हैं और रहेंगे ही, और बाद में जब पॉल ब्रास थोड़ा सा मतलब यूपी से हट गए थे फिर वो रीजनल पॉलिटिक्स वगैरह स्टडी करने लग गए तो उनका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो गया। अब हम बात करेंगे अतुल कोहली की। तो अतुल कोहली का जो काम है वो बेसिकली थोड़ा सा मिडिल क्लास के ऊपर कह सकते हो आप, या फिर मतलब जो हमारा गरीब और मिडिल के बीच का सेक्शन है उसकी बात करते हैं। अतुल कोहली का सबसे फेमस काम रिपीटेड PYQ है, स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, जो कि 1987 में आया था। इसका ईयर भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई मतलब इसको किताब को कब लिखा गया बताइए, इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। तो जो अतुल कोहली का काम है वो भी यही था कि जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं, जो प्रॉपर्टीड क्लास है, उन्होंने कैसे भारत को जो है हमेशा से गवर्न करा है, जिनके पास प्रॉपर्टी है वो ही इम्पोर्टेंट रहे हैं। उसके अलावा जब पुअर की बात करते हैं, पुअर की, तो अतुल कोहली ने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया जो मुझे भी लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे कितने भी बड़े वादे कर कर आई हो, चाहे कितने भी झूठ बोलती हो, कितना भी अपने आप को बड़ा दिखाती हो, एक बात तो तय है कि किसी भी पार्टी ने कभी पुअर को लेकर कोई काम नहीं करा। जिस भी पार्टी ने काम करा है उनको सिर्फ और सिर्फ बीच की क्लास से मतलब रहा है। हार्डली कोई ऐसी क्लास, हार्डली कोई ऐसी सरकार, वैसे तो है ही नहीं, बट कभी कोई एक अधिक बारी गरीबों के लिए कुछ कर दिया जाए तो कर दिया जाए, नहीं तो हार्डली देर इज एनी गवर्नमेंट जो कोई काम कर रही है इस तरह का जो कि गरीबों के लिए हो। इसके अलावा अतुल कोहली की एक और किताब है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, जो लोग मास्टर्स में इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा। ये किताब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स है जो इंडिया में लिखी गई है, एंड इसका ईयर अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन है। 1991 में ये बुक लिखी गई थी, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, मतलब देखने को तो बाहर से अगेन सब खूबसूरत बढ़िया बढ़िया डेमोक्रेटिक लग रहा है, लेकिन अंदर अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं ये मतलब जानना काफ़ी अहम होगा। इसके अलावा मैं आपको एक और व्यक्ति के बारे में भी बताना चाहूँगी, वो है फ्रांसिस फ्रैंकल। वैसे अगेन मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पर, बहुत ऑनेस्टली नेट में फ्रांसिस फ्रैंकल को भी उतना बड़ा नाम नहीं मिला क्वेश्चंस वाइज। मैं उम्मीद कर रही हूँ आने वाले जो नेट के अटेम्प्ट होंगे उसमें फ्रांसिस फ्रैंकल एक बड़ा नाम हो सकता है, लेकिन फिलहाल ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप JNU या DU या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन में हो तो आपके लिए काफ़ी काम आ सकता है। फ्रांसिस फ्रैंकल की किताब थी इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन, 1971 में लिखी गई थी। इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिंक करा है राजनीति और इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, एंड ऑफ कोर्स विदाउट इंक्लूडिंग पार्था चैटर्जी आई विल नॉट एंड द क्लास।
जब मैं पार्था की बात करती हूँ तो एक ऐसा नाम है जिस पे इंडिया में लिटरेचर बहुत सीमित है बट बहुत होना चाहिए है। सीमित शायद इसलिए क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है ऑन द स्टडी ऑफ इंडिया, एंड ये है राइज ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडिया। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आज जो बहुत फैशन में आ चुकी हैं एनजीओज या हेल्पिंग ग्रुप्स, उसमें से 50% से ऊपर ऐसे एनजीओज और हेल्पिंग ग्रुप्स हैं जो सिर्फ ब्रिटिशर्स या मॉडर्न या अमेरिका या यूएसए के पॉलिसीज को यहाँ लाना चाहते हैं, जो मॉडर्न कल्चर, लाइफस्टाइल, फैशन को इंडिया में लाना चाहते हैं और इंडिया के ट्रेडिशंस को रिमूव करना चाहते हैं। और इसकी वजह से और गरीबी और भेदभाव और फर्क पैदा हो रहा है बिटवीन द हायर एंड लोअर कास्ट, क्योंकि आफ्टर ऑल इंग्लिश या ये जो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये अमीरों के पास ही रही हैं हमेशा से भारत में। इस वजह से रजनी कोठारी, सॉरी आई एम सो सॉरी, पार्था चैटर्जी क्रिटिक करते हैं राइज ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडिया और उसके बदले में सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल सोसाइटी को। तो जो पॉलिटिकल सोसाइटी है हमें उसकी ज़रूरत है, हमें सिविल सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है। ये काम जो है बिलोंग करता है टू पार्थास कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियन सोसाइटी। आई होप आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। आई हैड सो मच फन टीचिंग दिस क्लास। दिस इज़ अ डिफिकल्ट चैप्टर। यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग। अगर आपको कोई इशू है यू कैन ऑल्सो लीव योर मैसेज इन द कॉमेंट सेक्शन और ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आपका नया कोर्स 27 अक्टूबर शाम 7 बजे से आपको देखने को मिलेगा। ज्वाइन करना मत भूलिएगा। रेफरल कोड सुप्रीत लाइव है फॉर 10% ऑफ ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन। थैंक यू फॉर ज्वाइन।